हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। सो आप लोगों ने YouTube थंबनेल जो है वो देखकर पता लगा लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉन की खोज मतलब किसने की थी, आज उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चूँकि आप लोगों के स्कूल में बता दिया जाता होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे.जे. थॉमसन ने की थी, जो कि यह बात सत्य है, लेकिन इसके पीछे की जो उनकी मेहनत थी और अन्य वैज्ञानिकों ने जो उनके प्रयोग में काम किया, वो सब सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। दरअसल ये बात है सन 1808 ईस्वी में। 1808 ईस्वी के महान वैज्ञानिक जॉन डाल्टन हुआ करते थे। जॉन डाल्टन ने एक प्रयोग किया था और उन्होंने इस प्रयोग में बताया था कि अगर हम किसी पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि उस पदार्थ का एक ऐसा कण मिलेगा जो कि अविभाज्य होगा। और उन्होंने इस नियम पर एक अपना परमाणु सिद्धांत दिया था, जिसे हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते थे। उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत में बताया था कि जो पदार्थ होता है वह छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। और जो यहाँ पर उन्होंने अविभाज्य शब्द जो उन्होंने अपने इस सिद्धांत में प्रयोग किया है, इसी पर कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया। उस समय के जब वैज्ञानिक प्रयोग किए और उन्होंने देखा कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के तागे से या एबेनाइट की छड़ को जब हम फर्श से रगड़ते हैं तो उनके मध्य कुछ आवेश उत्पन्न होता है, या वो एक दूसरे के आकर्षित होते हैं। और जब यह जो प्रयोग था या डाल्टन सर से पूछा गया तो उनके पास इस शब्द का कोई जवाब नहीं था। मतलब जब उन्होंने पूछा कि क्या यह आपका परमाणु है जो आपने बताया है, तो उन्होंने डाल्टन सर ने बताया कि देखिए, मैंने जो नियम दिया है वो अगर आप गलत साबित कर दें तो मैं आप लोगों को मानूंगा कि आप सही हैं। लेकिन जब उन वैज्ञानिकों ने एक और क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि अगर आप इसे नहीं जानते तो क्या आप बता सकते हैं कि अगर यह जो है यह परमाणु के अंदर पाए जाने वाली कोई और भी छोटी सी इकाई है? तो उन्होंने बताया कि मैं इसे नहीं जानता हूं। और इसी बात पर कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया और प्रयोग करते गए और एक समय ऐसा है कि एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने काफ़ी विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी उनका योगदान रहा है। इन्होंने विद्युत परिपथ आदि के बारे में काफ़ी अध्ययन किया है। इन्होंने अपना एक प्रयोग किया, उन्होंने एक दो इलेक्ट्रोड लिए। इलेक्ट्रोड मतलब जो धातु के जो टुकड़े होते हैं, अगर उन्हें हम लगा दें तो वह इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। उन्होंने दो इलेक्ट्रोड लिए और एक बीकर लिया और उस बीकर में उन्होंने NaCl यानी नमक का घोल डाला। और उन्होंने जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो उन्होंने देखा कि नमक के जो कण है वो आयनित हो गए हैं, और जो उससे सोडियम प्लस का है और क्लोरीन माइनस का है, तो सोडियम प्लस होने के कारण वह ऋण आवेशित कैथोड की ओर जाता है और क्लोरीन माइनस होने के कारण धन आवेशित एनोड की तरफ जाता है, और जिससे हमें सोडियम तथा क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। और उन्होंने जब इस बात पर निष्कर्ष किया और उन्होंने कैलकुलेट किया कि क्लोरीन से कुछ निकल रहा है या और जो एनोड में जा रहा है, या फिर एनोड से कुछ निकल रहा है जो क्लोरीन में आ रहा है, और इसी तरह दूसरी ओर सोडियम से कुछ निकल रहा है जो कैथोड पर जा रहा है, या कैथोड से कुछ निकल रहा है जो एनोड पर जा रहा है, और इसी का नाम उन्होंने क्या रख दिया, इन्होंने इसी का नाम विद्युत परमाणु नाम इसका रख दिया। मतलब चूँकि उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी वह काफ़ी डेवलप नहीं थी, इसलिए उन्होंने जो प्रयोग किया और उसमें जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, और उनका निष्कर्ष था कि सोडियम से कुछ निकल रहा है जो कि कैथोड में जा रहा है, या फिर जो एनोड से कुछ निकल रहा है जो कि क्लोरीन में जा रहा है, और उन्होंने ही इसे विद्युत परमाणु नाम रख दिया। और इसके बाद सर जे.जे. स्टोन जो कि एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन नाम रख दिया। उन्होंने विद्युत परमाणु का नाम क्या रख दिया, उन्होंने विद्युत परमाणु का नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया। लेकिन चूँकि उस समय हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, हमारा देश उस समय गुलाम था और उधर प्रयोग चल रहे थे, तो इसके बाद सर जे.जे. थॉमसन अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चूंकि माइकल फैराडे ने प्रयोग तो किया था लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में जिक्र नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ विद्युत परमाणु कहा था। लेकिन सर जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज एक्चुअली की थी और उन्होंने जो उनका प्रयोग था वह अब हम पढ़ने जा रहे हैं। यह समय जो था यह सन था सन 1882 ईस्वी। मतलब जो माइकल फैराडे व जो डाल्टन ने अपना सिद्धांत दिया था वह 1808 ईस्वी में दिया था, और यह जो समय है यह है 1800
1886 मतलब इतने समय बाद सर जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो खोज की थी वह पूर्णतया की और उन्होंने दुनिया में इलेक्ट्रॉन के भविष्य के बारे में मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। तो उनका जो प्रयोग था वह कैसा था तो मैं आप लोगों को उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उन्होंने एक कांच की नलिका ली थी और उसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए थे, प्लस वाले को एनोड से जोड़ दिया था और माइनस वाले को कैथोड से जोड़ दिया था। और जो बैटरी थी वह काफ़ी हाई वोल्टेज की बैटरी थी, मतलब जो बैटरी थी वह हाई विद्युत विभव वाली थी, मतलब उच्च विद्युत विभव वाली थी, हिंदी में जैसे कहेंगे उच्च विद्युत विभव वाले। तथा उसमें निर्वात पंप उन्होंने जोड़ रखा था और उन्होंने जब उन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित की तब उन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ जो है वो, चूँकि यह प्रयोग उन्होंने काफ़ी अंधेरे में किया था इसलिए उन्होंने कुछ नीली नीली रोशनियाँ देखी, नीली नीली मतलब जो प्रकाश निकल रही थी और वह कैथोड से निकल रही थी। उन्होंने जब ऐसा देखा तो उन्होंने एनोड को छिद्रयुक्त कर दिया और उसके पीछे दीवार पर जो नलिका होती है उसके पीछे उन्होंने एक स्फुटदूत पदार्थ जिसे हम ZNS कहते हैं, जो आप लोगों के TV में लगी होती है और जैसे ही उस पर कुछ ना कोई प्रकाश पड़ता है वह चमक उठती है। उन्होंने इसी तरह एनोड पर उसके पीछे स्फुटदूत पदार्थ लगा दिया। जैसे ही उन्होंने हाई वोल्टेज उस विद्युत परिपथ में प्रवाहित किया उन्होंने देखा कि कैथोड से किरणें निकल रही हैं और वो एनोड को पार करती हुई पीछे स्फुटदूत पदार्थ पर चमक रही है। और उन्होंने इस पदार्थ जो किरण थी इसे उन्होंने कैथोड किरण कहा। और चूंकि यह नलिका से निकल रही है इसलिए कैथोड नलिका की ओर से निकल रही है इसलिए इसे कैथोड किरण नलिका कहा, किसे कैथोड किरण निकल रहा था। इन्होंने बताया कि यह किरण जिस कण से बनी हुई है वह इलेक्ट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है जिसका व्यवहार ऋण आवेशित कण की तरह होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का व्यवहार ऋण आवेशित कण की तरह होता है क्योंकि यह माइनस से प्लस की ओर जाती है इसलिए इलेक्ट्रॉन का क्या व्यवहार होता है, ऋण आवेशित कण की तरह होता है। और उन्होंने यह प्रयोग कई बार किया। उन्होंने जब चुंबकीय क्षेत्र लगाकर देखा तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका स्फुटदूत पदार्थ लगाया उन्होंने जहाँ पर उन्होंने चुंबकीय विद्युत क्षेत्र लगाया था और चुंबकीय क्षेत्र लगाया था, उन्होंने देखा कि प्लस मतलब जो धन आवेशित क्षेत्र था उसी ओर इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, मतलब उन्होंने अंततः उन्होंने बता दिया कि जो सिद्ध कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह ऋण आवेशित कण होते हैं। सो आप लोगों को अगले हम PDF में जो हमने जो इसकी नोट्स तैयार की है उसमें हम आप लोगों को लिखकर यहां पर देंगे और उसे हम आप लोगों को पढ़ के सुनाएंगे जिससे आप लोगों को जो मैंने बताया वो सब कुछ डिटेल से जो है क्लियर हो जाएगा। सो चलते हैं हम उसे पढ़ के आप लोगों को सुनाते हैं और समझाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज, तो यह प्रयोग सर जे थॉमसन ने किया था, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की खोज का यह जो प्रयोग किया था जो मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया यह प्रयोग सर जे थॉमसन ने किया था। उन्होंने एक कांच की नलिका ली और उसे दो इलेक्ट्रोडों से जोड़ा जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, प्लस चार्ज वाले को एनोड से तथा माइनस चार्ज वाले को कैथोड से जोड़ा तथा उसे उच्च विभव वाली बैटरी से जोड़ा, मतलब जो प्लस चार्ज होता है उसे एनोड से जोड़ा और एनोड क्या होता है प्लस चार्ज वाला होता है और कैथोड माइनस चार्ज वाला होता है, मतलब कैथोड क्या होता है माइनस वाला होता है इसलिए उसे माइनस चार्ज वालों से जोड़ा। उन्होंने जैसे ही धारा प्रवाहित की उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ निकल रहा है, मतलब कैथोड से कुछ रोशनी निकल रही है। यह प्रयोग उन्होंने काफ़ी अंधेरे में किया था इसलिए उन्होंने क्या किया था रोशनी से उसे रोशनी को देख लिया था। इसके बाद उन्हें एनोड को छिद्रयुक्त किया, मतलब उन्होंने इसके बाद एनोड को क्या किया था छिद्रयुक्त किया था तथा उन्होंने एनोड के पीछे दीवार पर स्फुटदूत पदार्थ ZNS लगाया। तो यह आपका पहला पेज था। तो चलते हैं हम दूसरे पेज पर और वह पेज भी आप लोगों को पढ़ के डिटेल से समझाते हैं। तो दूसरा पेज है कि उन्होंने जैसे ही उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित की उन्होंने देखा कि एनोड के पीछे लगा पदार्थ चमकीला हो जाता है, मतलब जैसे उन्होंने हाई वोल्ट पर धारा प्रवाहित की उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ निकला और एनोड की ओर गया था, एनोड के पीछे लगा जो पदार्थ था वह चमकीला हो जाता है। और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि कैथोड से कुछ किरणें निकल रही हैं, मतलब जो चमकीला पदार्थ था वह उसे उन्होंने किरण कहा तथा जो कि छिद्रयुक्त एनोड की तरफ जा रही है, मतलब यहाँ पर एनोड जो है मिस टाइपिंग हो गया है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, की तरफ जा रही। और उन्होंने इसे कैथोड किरण कहा, मतलब जो कैथोड से किरणें निकल रही थी उन्होंने उसे कैथोड किरणें कहा, चूँकि ये कैथोड की ओर वाली नलिका से निकल रही है इसलिए इन्हें कैथोड किरण नलिका कहा। यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मतलब इसका जो निष्कर्ष है उन्होंने बताया था कि जो कैथोड से किरणें निकल रही है उन्हें कैथोड किरणें तथा जो चूँकि यह कैथोड
किरण वाली नलिका की ओर से निकल रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसे किथोड़करण नलिका कहा। तो आप लोगों से एग्जाम में अगर इनका डेफिनेशन पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा। तो एक पॉइंट और है, उसके बाद इनका जो इलेक्ट्रॉन की खोज पर जो इनको प्रयोग किया था वह समाप्त होगा, और उसके बाद हम इनके परमाणु मॉडल को देखेंगे। चूँकि इनका परमाणु मॉडल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यह कभी कभी आपके क्वेश्चन पेपरों में बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए हम उसे देखेंगे। उसके बाद एनोड किरणों की विशेषताएं देखेंगे, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो चलिए हम इनके जो लास्ट पॉइंट है उसके बारे में आप लोगों को डिटेल से समझाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को लास्ट पॉइंट दिख रहा होगा कि उन्होंने देखा कि विद्युत क्षेत्र लगाने पर यह किरणें प्लस चार्ज की ओर जा रही थी। मतलब जब उन्होंने विद्युत क्षेत्र लगाया तो जो एक प्लस आवेशित क्षेत्र होता था, एक ऋण आवेशित क्षेत्र होता है जिससे विद्युत क्षेत्र बनता है। तो उन्होंने देखा कि विद्युत क्षेत्र लगाने पर जो किरणें हैं वह प्लस चार्ज की ओर जा रही थी, इसलिए उन्होंने इनका व्यवहार ऋण आवेशित कण की तरह बताया, क्योंकि ऋण आवेशित कण ही प्लस चार्ज की ओर जाते हैं। और उन्होंने बताया कि जिस ऋण आवेशित कण से यह बनी है वह इलेक्ट्रॉन है। मतलब जो किरणें होती हैं और ये किरणें ऋण आवेशित कण की तरह होती हैं, और जिस ऋण आवेशित कण से बनी हुई होती हैं वही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो चलते हैं हम इनके परमाणु मॉडल के बारे में आप लोगों को डिटेल से समझाते हैं, क्योंकि वह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोगों को थॉमसन का परमाणु मॉडल हेडिंग दिख रही होगी। तो सर पहला पॉइंट है कि सर जे.जे. थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में बताया कि परमाणु उदासीन होता है। मतलब जो परमाणु के अंदर ऋण आवेश होता है वह धन आवेश के बराबर होता है, अर्थात अगर परमाणु के अंदर ऋण आवेश प्लस एक है और ऋण आवेश माइनस एक है तो यह बराबर हो जाएगा जीरो के। मतलब परमाणु क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। दूसरी पॉइंट है, उन्होंने इस मॉडल का नाम प्लम पुडिंग या तरबूज मॉडल रखा, जो कि पहले पॉइंट में बताया गया है। क्योंकि उन्होंने पहले पॉइंट में बताया था कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, और उन्होंने ही इस मॉडल का नाम तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल इसे रखा। उन्होंने तरबूज मॉडल की तुलना तरबूज से की, मतलब तरबूज मॉडल की जो तुलना की उन्होंने तरबूज से की, तो उन्होंने तरबूज के लाल हिस्से को धनावेश तथा तरबूज के अंदर जो उसके बीज धसे हुए होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन की तरह बताया। मतलब जो तरबूज का लाल वाला हिस्सा होता है उसे धनावेश बताया था, जो उसके अंदर बीज धसे हुए होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन की तरह बताया। तो आप लोगों को इनके परमाणु मॉडल के बारे में हमने डिटेल से समझा दिया है। तो चलते हैं हम किथोड़ किरण के कुछ जो विशेषताएं होती हैं उन्हें आप लोगों को डिटेल से बताते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में वैकल्पिक क्वेश्चन के रूप में पूछ लेते हैं, और इन किरणों पर आप लोगों को एक दो नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो चलते हैं शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि किथोड़ किरणों की विशेषताएं हैं। तो किथोड़ किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जाती हैं, इसलिए इन्हें किथोड़ किरणें कहते हैं। मतलब जो किथोड़ किरणें हैं वह कैथोड से निकलती हैं तथा एनोड की ओर जाती हैं, जो कि आप लोगों को हमने डिटेल से पहले ही समझा दिया है। दूसरा है कि इनका व्यवहार ऋण आवेशित कण की तरह होता है। तथा तीसरा है कि कैथोड किरणें इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती हैं। मतलब इलेक्ट्रोड चाहे जिस भी धातु का हो वह इस पर निर्भर नहीं करती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को जो मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया है इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में वह डिटेल से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अब दोबारा किसी ने इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उनसे जिन्होंने आपसे पूछा है उन्हें बेहतरीन से आंसर देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।